करते हैं फीफा के फीवर की, जो अपने चरम पर है, क्योंकि आज फाइनल का मुकाबला है, खिताबी मुकाबला है फ्रांस और क्रोएशिया के बीच में। तो आपको बता दें कि क्रोएशिया ये खिताब किसी भी हाल में जीतना चाहेगी। फ्रांस और क्रोएशिया का ये मुकाबला आज रात 8:30 बजे शुरू होगा और खिताबी विजेता को 256 और उप विजेता को 189 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि फ्रांस जहां 1998 में चैंपियन रह चुका है, उसके पास दोबारा ये खिताब जीतने का मौका है। और खास बात यह कि तीसरी बार वो फाइनल में एंटर हुआ है। वहीं क्रोएशिया की बात की जाए तो पहली बार फाइनल खेलेगा क्रोएशिया, और दोनों देश वर्ल्ड कप में दूसरी बार आमने सामने होंगे। पहली बार दोनों के बीच 1998 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हुआ था, तब क्रोएशिया हार गया था, लेकिन अब एक बार फिर से बदला लेने की कोशिश की जाएगी। ओवरऑल दोनों भी अगर टीमों की बात की जाए तो 5 मैच हुए, इनमें से 3 फ्रांस ने जीते हैं, 2 मैच ड्रॉ रहे हैं, और क्रोएशिया को पहली जीत की तलाश है। और अगर यहां पर आंकड़ों को देखें, रिकॉर्ड्स को देखें, तो अब तक 2 बार ऐसा हुआ है कि पहली बार फाइनल में एंटर करने वाली टीम ने खिताब पर अपना कब्जा किया है। फ्रांस ने जब 1998 में ये खिताब अपने नाम किया था तो वो पहली बार फाइनल में एंटर की थी, और 2010 में स्पेन ने भी ये कारनामा करके दिखाया था। ऐसे में अब क्रोएशिया से भी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ और आंकड़ों को देखें तो यहां पर फ्रांस का मनोबल काफी ज्यादा बड़ा लगता है, काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अब तक 5 मुकाबले हो चुके हैं फ्रांस और क्रोएशिया के बीच में, जिसमें 3 मुकाबले फ्रांस ने अपने नाम किए, 2 ड्रॉ रहे। ऐसे में एक अगर मनोवैज्ञानिक दबाव की बात करें तो क्रोएशिया पर वो दबाव है। अब क्या वो इस प्रेशर से बाहर निकलकर खेल पाएगा, सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा। तो वहीं फ्रांस के पास भी चोकर्स का टैग हटाने का मौका है, क्योंकि अभी 2 साल पहले यूरो कप में फ्रांस फाइनल में पहुंचा था लेकिन जीत नहीं पाया था खिताब। ऐसे में अगर फिर से वो फाइनल से वापस आता है तो चोकर्स का ठप्पा फ्रांस पर लग जाएगा, जिससे बचने के लिए फ्रांस के खिलाड़ी भी आज पूरी तरह से अपना दमखम झोंक देंगे। डू और डाई की सिचुएशन दोनों ही टीमों के लिए। तो आज काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। तो क्रोएशिया के लिए किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो इस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए फाइनल तक पहुंच जाएगा।